नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। बीजेपी नेताओं की ओर से किए जा रहे हमलों का पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया है। अपने फेसबुक पेज पर एक एक प्रकरण का जवाब देते हुए हरीश ने लिखा है कि कुछ उजाड़ू बल्द और उजाड़ू बकरियां मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा चुनाव आखिरी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि जब जब उत्तराखंडियत पर आक्रमण होगा, किसानों दलितों के हितों पर चोट पहुंचेगी, महिलाओं का निवाला छीना जाएगा, नौजवानों से रोजगार छीना जाएगा, हरीश रावत शमशान से आकर के खड़ा हो जाएगा। इस समय इन सब वर्गों के अधिकारों पर चोट हो रही है। ये मुझसे कह रही है कि हरीश रावत एक राउंड और होना चाहिए। तुमको 50 साल के हरीश रावत के तरीके से खेल खेलना होगा। डेनिश शराब के बारे में लिखा है कि आज भी शराब के स्टोरों सैन्य कैंटीनों में बिक रही है, उस समय यह जहर थी तो आज अमृत कैसे हो गई। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 1,37,000 लोगों की जमीनों पर मालिकाना हक दिया, इनमें से ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद ट्विटर ने अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके दी है। बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था। वहीं हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि लोकतंत्र में मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने मुहिम के तहत मैं भी राहुल हूं को लेकर एक दलित परिवार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। ट्विटर इंडिया ने मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। वहीं ये शर्त रखी है कि जब ये पोस्ट हटा दिया जाएगा तो मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्धारित दौरे के तहत हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओलंपिक खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर रोशनाबाद पहुंचकर वंदना कटारिया के परिवार से मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को 25 लाख की धनराशि का चेक देकर शुभकामनाएं भी दी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वंदना कटारिया के घर पहुंचे हैं। वंदना कटारिया ने देश का नाम रोशन किया है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। तो ऐसे में हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने वंदना कटारिया को शुभकामनाएं दी, साथ ही 25 लाख रुपए धनराशि का इनाम भी दिया है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में 60वें दिन गुरुवार को भी तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन जारी है। वहीं से पहले बुधवार को आंदोलनकारियों ने नारेबाजी कर जुलूस निकाला। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने क्रमिक धरना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं करती, वो आंदोलनरत रहेंगे। 1 सितंबर को जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में होने वाले प्रदर्शन में केदार घाटी के प्रत्येक गांव के ग्रामीण शामिल होंगे। दूसरी तरफ देवस्थानम बोर्ड के विरोध में भाजपा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने का सिलसिला भी बना हुआ है। अब तक 26 तीर्थ पुरोहित पार्टी छोड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का 60वें दिन भी ये जो धरना है वो जारी है। उनकी मांग है कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। वहीं अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्ताओं के कार्य बहिष्कार से कई कामकाज प्रभावित हो गए हैं। खासकर प्रसूताओं और गर्भवतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसव समेत टीकाकरण और कई काम भी प्रभावित हैं।
अल्मोड़ा जिले में कुल लगभग 936 आशाएं कार्यरत हैं। जिले भर में प्रतिदिन औसतन 20 से 40 प्रसव होते हैं। आशाओं की प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर सविता हयांकी ने बताया कि गांव-गांव जाकर टीकाकरण, लोगों को जागरूक करने समेत तमाम कार्य भी आशाओं के जिम्मे हैं। इन दिनों आशाओं के कार्य बहिष्कार से इन कार्यों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से संचालित कई योजनाओं में घर घर जाकर दवाओं के वितरण भी आशाओं की हड़ताल से प्रभावित हैं। कई बुनियादी कार्य आशाओं के जिम्मे होते हैं। आशाओं के कार्य बहिष्कार से विभिन्न कार्य प्रभावित हुए हैं। आगे भी कार्य बहिष्कार जारी रखते हैं तो टीकाकरण समेत दवाओं के वितरण में दिक्कतें होंगी। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष ममता तिवारी ने कहा कि मांगों को लेकर हम लगातार कार्य बहिष्कार और आंदोलन कर रहे हैं, पर अब तक कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। मांगे पूरी नहीं होने तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके चलते कई जो बाकी चीज़ें हैं वो प्रभावित हो रही हैं। टीकाकरण जैसे, दवाई वितरण जैसे तमाम जो चीज़ें हैं उन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आशाओं की हड़ताल के चलते कार्य प्रभावित हैं, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन महिलाओं को हो रहा है जिनको प्रसव होना है, जिनके इस तरीके की चीज़ें हैं, उन महिलाओं के ऊपर बड़ा संकट है। आपको बता दें कि आशाओं के कार्य बहिष्कार के चलते टीकाकरण, दवाई वितरण समेत तमाम जो कार्य हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश NH-58 की हालत तीर्थ नगरी में खराब हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बने हुए हैं। लोगों की शिकायत पर हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी पर नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने सड़क का मुआयना किया और NH के अधिकारी को मौके पर बुलाकर खरी खोटी भी सुनाई, साथ ही सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने बताया कि ऋषिकेश हरिद्वार के इस सबसे महत्वपूर्ण मार्ग को कोयल घाटी से दो चरणों में फोर लेन बनाया जाना है, लेकिन NHAI के अधिकारी तभी से इस हाईवे की उपेक्षा कर रहे हैं। इस कारण हाईवे की मौजूदा सड़क चलने लायक भी नहीं रह गई। महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि उन्होंने पहले भी अधिकारियों को हाईवे के गड्ढों को भरने के लिए कहा था। उस वक्त सही तरीके से गड्ढों को ना भरने और मानक के अनुरूप काम नहीं किए जाने से गड्ढे फिर से उखड़ने लगे हैं। इसे देखते हुए आज फिर गड्ढों को भरने के लिए कहा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बद्रीनाथ हरिद्वार राजमार्ग है जिस पर बड़े बड़े गड्ढों के चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद महापौर ने उस इलाके का मुआयना किया। महापौर सड़क की हालत देखकर बिफर गई, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद महापौर ने बताया कि NHAI के लोगों द्वारा यहाँ पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा था उसके बाद उपेक्षा की जा रही है इसकी। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महापौर अनीता ममगाई जो वहाँ पर पहुँची, अधिकारियों को उन्होंने बुलाया और उसके बाद सड़क को दिखाते हुए उन्होंने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है। सड़क की हालत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन गड्ढों को एक बार पहले भी भरवाया गया था, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं भरवाया गया, जिसके चलते एक बार फिर से सड़कें उखड़ने लगी हैं। कई बार बोल दिया ये जगह जगह इन गड्ढों को आप बरसात में भरो, कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए हैं, कई लोग चोटिल हो गए हैं, तो आज इसका यहाँ पर औचित निरीक्षण करा और NH के अधिकारियों को दो तीन शब्दों में निर्देशित करा कि इसको आपके पास मात्र कल का दिन है, कल आप इन पूरे गड्ढों को भर दें ताकि यहाँ पे किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। साथ विश्व हाथी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में WTI वन विभाग डिवीजन रेंज कालाढूंगी, कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और रेंज अधिकारी अमित ग्वासकोटी और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने हाथी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रेंजर अधिकारी कालाढूंगी अमित ग्वासकोटी ने बताया कि हाथी एलिफेंडिटी कुल और प्रोबोसीडिया गण का प्राणी है। विश्व हाथी दिवस पर यहां कालाढूंगी रेंज से एक हाथी की मूर्ति के साथ संदेश रैली भी निकाली गई। इस दौरान गलगदिया एलिफेंट कॉरिडोर लामाचौड़ क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कॉर्बेट समिति छोटी हल्द्वानी के सदस्यों ने कार्यक्रम आयोजित किया।
इस दौरान बच्चों और ग्रामीणों को कहानी के जरिए हाथी संरक्षण का संदेश दिया गया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया कालाडूंगी का ये पूरा मामला, जहां पर हाथी संरक्षण का संदेश दिया गया। राजकुमार पांडे ने हाथी के बारे में ये तमाम जो जानकारियां थी उनको दी गई हैं। हाथी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि हाथी दिवस के मौके पर हाथियों का संरक्षण को लेकर वो तमाम जानकारियां दी गई, जिसके बाद आपको बता रहे कि कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और रेंज अधिकारी अमित ग्वासकोटी और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने हाथी के बारे में विस्तार से ये जानकारियां दी हैं। रेंजर अधिकारी कालाडूंगी अमित ग्वासकोटी ने बताया था कि हाथी एलिफेंडिटी कुल और प्रोबोसीडिया गढ़ का प्राणी है। इसके साथ ही और भी उन्होंने जानकारी दी। आपको बता दें विश्व हाथी दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम लोग मौजूद थे और इसके साथ ही वहां पर बच्चों को ये शिक्षा दी गई कि किस तरीके से हाथियों का संरक्षण किया जा सकता है, और हाथी संरक्षण का यहां पर वहां मौजूद बच्चों और ग्रामीणों को संदेश दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हाथी संरक्षण को लेकर तमाम बातें की गई और इसके साथ ही बच्चे और ग्रामीण जो वहां पर मौजूद थे उनको संदेश दिया गया है। भले ही सरकार कृषि कानून बनाकर किसानों की आय दोगुना करने की बात करती हो, मगर उत्तराखंड के किसानों के दर्द पर मरहम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि किसानों को उचित रेट ना मिलने से किसान अपने तैयार फसल को नदी नाले में फेंकने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला कालाडूंगी विधानसभा के कोटाबाग क्षेत्र का है, जहां ग्राम सभा बजुनिया हल्दू पतलिया रुड़की न्याय पांडे के किसानों को उनके खीरे का उचित रेट नहीं मिलने पर खीरे को नदी नाले में फेंकने को मजबूर होना पड़ा है। किसानों का कहना है कि बाजार में खीरा 20 से 25 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि मंडी में बैठे आढ़ती उनके खीरे की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति किलो लगा रहे हैं। ऐसे में उनकी फसल का लागत मूल्य और मंडी तक ले जाने का किराया तक नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे में किसान खीरे को नाले में फेंकने को मजबूर हैं। ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि परेशान किसान इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि इन्होंने अपनी फसल में उगाए खीरों को अब फेंकने का फैसला कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जहां एक तरफ बाजार में ये खीरे 20 से 25 रुपए किलो में बिक रहे हैं, तो वहीं मंडी पर मौजूद आढ़ती इनके खीरों को 2 से 3 रुपए के दामों में ले रहे हैं, जिसके चलते इनका जो पूरा पैसा है वो नहीं निकल पा रहा है और वहां तक ले जाने का किराया भी उनका नहीं निकल पा रहा है, जिसके बाद मजबूर होकर उन्होंने अपनी फसल अपने खीरों को इस तरीके से नालों के आसपास फेंकने का फैसला किया। तो किसानों की दुर्दशा दिखाती है तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको साफ दिख रही होंगी, जहां पर अपनी लागत का पैसा भी नहीं निकाल पाने के बाद किसानों को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, जहां पर उनको अपनी फसल अपना खीरा जिसको उन्होंने उगाया था उसको फेंकने पर मजबूर होना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें ये तस्वीरें बजुनिया हल्दू कालाडूंगी की आप देख पा रहे हैं, जहां पर किसानों को उचित रेट नहीं मिल सका, जिसके बाद उन्होंने खीरों को फेंकने का फैसला किया। आपको बता दें कि ये खीरे जिनकी लागत जो इतनी थी कि ये लागत ही नहीं निकाल पाए, जो मंडी में जो आढ़ती बैठे हैं उन्होंने इनका दाम 2 से 3 रुपए निकाला है, जबकि किसानों का कहना है कि वहीं मार्केट में ये खीरे 20 से 25 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। लेकिन जब पैसा नहीं निकाला जा सका, जब लागत का पैसा भी नहीं निकाला जा सका, जब किराए का पैसा भी नहीं निकाला जा सका, तो मजबूर होकर इन किसानों को अपने खीरों को नाले के आसपास फेंकना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो देश में अभी भी किसानों की जो दुर्दशा है उसको साबित करती हैं। खीरे किसानों ने उगाए थे, लेकिन बाद में आढ़ती इनको जिन दामों पर ले रहे थे, जिन औने पौने दामों पर आढ़ती इनकी फसलों को ले रहे थे, उसके बाद मजबूर होकर इन किसानों ने अपनी फसल अपने खीरों को फेंकने का फैसला किया है, क्योंकि लागत और मंडी तक ले जाने का किराया वो दाम नहीं निकाल पा रहा था जो उनकी लागत में लगाया जा चुका था और जो वहां से आढ़ती उनको दे रहे थे, जिसके बाद मजबूर होकर इन किसानों ने अपने खीरों को नदी नालों के पास फेंकने का फैसला किया। दिल्ली में नाबालिग से रेप के बाद हुई हत्या से वाल्मीकि समाज भड़क गया है।
समाज के लोगों ने रेलवे रोड स्थित अंबेडकर चौक के पास नारेबाजी करते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर नाबालिग बच्ची को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार एक तरफ बालिकाओं को सुरक्षा देने की बात कह रही है, वहीं दिल्ली के अंदर ना जाने कितने दुष्कर्म के ऐसे मामले हैं जो उजागर नहीं हो रहे हैं। जबकि हाल ही में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ मंदिर के एक पुजारी और अन्य 3 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। साक्ष्य छिपाने के लिए बच्ची को जलाकर मार भी दिया गया। इस जघन्य अपराध से बचने के लिए बच्ची के परिजनों को धमकी तक दी गई। ऐसे में लोगों के अंदर दिल्ली सरकार के खिलाफ गुस्सा है। तो आपको बता दें कि ऋषिकेश में प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन उस नाबालिग बच्ची के लिए था जिस नाबालिग बच्ची की दिल्ली में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में आपको बता दें प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये ऋषिकेश की तस्वीरें जहां पर उस नाबालिग बच्ची के लिए प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको बता दें कि उनका कहना था कि दिल्ली के अंदर ना जाने कितने ही दुष्कर्म के ऐसे मामले हैं जो उजागर नहीं हो पाते हैं, जबकि हाल ही में 9 साल की जो नाबालिग बच्ची है उसके साथ मंदिर के एक पुजारी और 3 अन्य लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। साक्ष्य छिपाने के लिए बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया। इस जघन्य अपराध से बचने के लिए बच्ची के परिजनों को धमकी तक दी गई, जिसके बाद आपको बता दें कि पूरे देश में जहां गुस्से की लहर है, तो वहीं आज ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया और जिसके चलते वाल्मीकि समाज जो है वो खासा नाराज है। उनका कहना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकलकर बार बार सामने आ रही हैं और अब दोषियों को कड़ी सजा देने का समय है। तो वाल्मीकि समाज ने ये प्रदर्शन किया है ऋषिकेश में, जहां पर उन्होंने दिल्ली में जो 9 वर्षीय बच्ची की जिस तरीके से दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या कर दी गई थी उसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया गया और दलित समाज इससे खासा नाराज नजर आता है। तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई है बच्ची को और मांग की गई है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली सरकार के खिलाफ ये वाल्मीकि समाज का पूरा प्रदर्शन है जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांड हुआ है, इस कांड के बाद उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिनका दिल जानता है, और हम उस परिवार के साथ पूरा वाल्मीकि समाज पूरे देश का वाल्मीकि समाज उनके साथ खड़े हैं। यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर कर हड़ताल करेगा, चक्के जाम करेगा और हो सकता है कि हमें पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान या पूरे हिंदुस्तान में आग जलने लगनी पड़ जाए। यदि वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय नहीं मिलता तो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर कर इतना हंगामा करेगा कि बता देगा कि वाल्मीकि समाज क्या चीज़ होती है। उस लड़की को न्याय चाहिए और केवल न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। की घटना है कि लगातार एक के बाद एक प्रकरण जो दलितों के उत्पीड़न हो रहे हैं, जो हमारे इस देश में स्वतंत्रता ना होने का प्रतीक है, और इससे ये हमें पता लगता है कि अभी हमारी आज़ादी नहीं हुई है। और हम आज़ादी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूरे दलितों पर उत्पीड़न होता है, या दरिंदा किसी का है ना सगा नहीं होता, दरिंदा किसी जाति का नहीं होता, उसके लिए एक ऐसा कानून सरकार, केंद्र सरकार पारित करे कि जिससे है ना ये जितने भी, चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, उसे है ना दंड मिलना चाहिए अपराधी को। रावली महदूद के सिडकुल थाना क्षेत्र में आरपीएफ की टीम ने छापेमारी की है। ये छापेमारी रावली महदूद स्थित पॉल ऑनलाइन सॉल्यूशन और मनी ट्रांसफर की दुकान पर की गई। बताया जा रहा है कि आरपीएफ की टीम ने दुकान से 6 ई टिकट भी बरामद किए। वहीं बताया गया कि दुकान से मिले टिकट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें तस्वीरें आप देख सकते हैं थाना सिडकुल का ये पूरा मामला, जहां पर आरपीएफ की टीम ने ये पूरी छापेमारी की है, जहां पर आरपीएफ की टीम ने दुकान से 6 ई टिकट बरामद किए हैं। तो ये छापेमारी के दौरान 6 ई टिकट बरामद किए गए हैं। साथ ही आरपीएफ ने बताया है कि इसके बाद और भी कई जगह छापेमारी की जा रही है। दुकान से मिले टिकट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये दुकान जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आरपीएफ की तरफ से छापेमारी की गई है। दुकान की ये सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आरपीएफ की छापेमारी की गई, जहां पर 6 ई टिकट बरामद किए गए, जिसके बाद आरपीएफ ने कहा है कि बरामद ई टिकट के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार का ये पूरा मामला है, जहां पर इस दुकान में आरपीएफ की टीम ने छापेमारी की है और दुकान से 6 ई टिकट बरामद किए हैं। आरपीएफ की टीम का कहना है कि दुकान पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद दुकान के अंदर से छापेमारी के दौरान
6 ई टिकट बरामद किए गए। अब पुलिस का कहना है और आरपीएफ का भी कहना है कि अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में गुरुवार को बादल छाए हुए हैं। वहीं देहरादून में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी यातायात सुचारू रूप से चला है। चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे का खुलने और बंद होने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी है। वहीं दोपहर बाद हुई भारी बरसात के चलते हल्द्वानी के कालाढूंगी रोड में भारी जलभराव हो गया। दोपहिया वाहन बरसात के पानी में डूबे हुए नजर आए। सीमा सड़क संगठन BRO के कमांडर मनीष कपिल का कहना है कि जोशीमठ मलारी हाईवे पर सुराई थोटा में लगातार पत्थर गिर रहे हैं। BRO की JCB कार्य कर रही है, फिलहाल हाईवे को खोल दिया गया है। बता दें कि चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी हाईवे बुधवार को सुराई थोटा में बारिश के कारण भूस्खलन होने से बंद हो गया था। बारिश बंद होने के बाद BRO की JCB हाईवे खोलने में जुटी है, लेकिन लगातार पत्थर गिरने के कारण हाईवे को खोला नहीं जा सका। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोपहर बाद ये देहरादून में जो बारिश हुई है वो उसकी तस्वीरें हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाईवे जो खुलने और बंद होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड की आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सबसे पहले तो देहरादून में दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी यातायात सुचारू है। चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाले जोशीमठ और मलारी हाईवे की बात करें तो वहां खुलने और बंद होने का सिलसिला जो है वो आज भी जारी रहा है। दोपहर बाद बारिश के चलते हल्द्वानी कालाढूंगी रोड पर भी कुछ हरकत देखी गई है। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।